नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस व्यवसाय एवं वित्तीय शिक्षण अभियान में। मैं रुपया हूँ, मेरा नाम रूपा है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उन्नति और विकास का रास्ता, जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं सकारात्मक बदलाव। और मैं हूँ राजू। आज हम लोग रूपा दीदी से जानेंगे निवेश के बारे में। बिल्कुल राजू, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि पैसों को निवेश कर और अधिक पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। देखो, हम सब सोचते हैं कि पैसे अगर पेड़ों पर उगते तो कितना अच्छा होता, पर ऐसा होता नहीं है। पैसे कमाने के लिए हमें बड़ी ही मेहनत से काम करना पड़ता है। फिर पैसे को बचाने के बारे में जानना होता है कि पैसों को कैसे बचाया जाए। उसके बाद हम निवेश के बारे में सोचते हैं कि पैसों को कहाँ और कैसे निवेश किया जाए। अच्छा दीदी, ये निवेश क्या होता है? पैसे बचाने के बारे में तो आपने हमें बताया है, पर निवेश के बारे में तो बताया ही नहीं। हाँ हाँ राजू, बता रही हूँ। देखो, निवेश हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। निवेश का मतलब होता है समझदारी पूर्वक हमारे पैसों का उपयोग, जिससे अधिक से अधिक पैसा हमें वापस मिल सके। देखो, निवेश कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, जिसमें एक ही बार में पैसे को हम किसी निश्चित समय के लिए जमा करते हैं। इस पर बचत खाते से भी ज्यादा ब्याज मिलता है। दूसरा होता है आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें हम हर महीने किसी निश्चित समय तक निश्चित राशि जमा करते हैं, जो अवधि पूरी होने के बाद ब्याज के साथ हमें वापस होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें कोई जोखिम यानी रिस्क भी नहीं होता है। इसके अलावा हम अन्य बीमा कंपनी में भी निवेश कर सकते हैं, जिसमें भी कोई जोखिम नहीं होता है और पैसे का रिटर्न निश्चित होता है। फिर हम सरकार के द्वारा जारी कई योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, वृद्ध लोगों के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम आदि। इसके अलावा कुछ निवेश ऐसे हैं जिनमें कुछ जोखिम होता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP आदि तरह के निवेश। निवेश हमेशा एक निश्चित लक्ष्य पर आधारित होता है। उस लक्ष्य को निश्चित समय में पूरा करने के लिए हम निवेश करते हैं। समय के मापदंड पर निवेश तीन प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले छोटी अवधि के लिए निवेश होता है। मान लो तुम 2 साल के बाद अपने लिए एक मशीन खरीदना चाहते हो, तो फिर तुम 2 साल के लिए निवेश करोगे। इस तरह से 3 साल तक के लिए किए जाने वाले निवेश को अल्पकालिक निवेश कहते हैं। इसके बाद होता है मध्यकालीन निवेश, जिसमें 3 साल से 10 साल तक के लिए निवेश किया जाता है, और 10 से अधिक सालों तक के लिए जो भी निवेश होता है उसे दीर्घकालीन निवेश कहते हैं। दीर्घकालीन निवेश में हम जब बुढ़ापे में कमाने लायक नहीं रह जाते, उस समय के लिए निवेश किया जाता है। इसके अलावा भी कई काम, जैसे बच्चों की शिक्षा, उनकी शादी ब्याह आदि के लिए निवेश करते हैं। देखो, निवेश में नामिति पंजीकरण या नॉमिनेशन के बारे में जानना भी जरूरी होता है। किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को नॉमिनी बनाकर मृत्यु उपरांत हम अपनी संपत्ति का अधिकार उसको दे देते हैं। ऐसा नहीं करने से उत्तराधिकारियों को कानून की जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। नॉमिनेशन करते वक्त नॉमिनी का पूरा नाम, पता, उम्र तथा आपके साथ उसके संबंध का पूर्ण उल्लेख करना चाहिए। अच्छा, तो दीदी, इसमें जोखिम भी होता है क्या? हाँ हाँ, बता रही हूँ। देखो राजू, निवेश में जोखिम का मतलब है कि जब हम कहीं अपना पैसा लगाते तो हैं, पर उसकी वापसी कम मिलना या वापस मिलने की अनिश्चितता होना। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF और फिक्स्ड डिपॉजिट एक सरकारी गारंटी वाला सुरक्षित निवेश योजना है। पोस्ट ऑफिस बचत योजना PPF और RD के अलावा भी पोस्ट ऑफिस में बहुत सी बचत योजना मिलती है। इसमें टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार की गारंटी होने की वजह से इनमें निवेश सुरक्षित माना जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना SSY लंबी अवधि में बचत की अच्छी योजना है। इस स्कीम का उद्देश्य बेटी की पढ़ाई और शादी के वक्त वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है। किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में SSY के तहत खाते सिर्फ 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के खोले जा सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम रिटायरमेंट के हिसाब से
बचत करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में अकाउंट खोलना अच्छा विकल्प है। इसमें निवेश पर अलग से टैक्स छूट मिलती है। NPS में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। वहीं शेयर बाजार के निवेश में जोखिम है, क्योंकि बाजार में गिरावट आने से इसकी कीमत कम हो जाती है और तेजी आने पर कीमत बढ़ जाती है। या सोने चांदी में निवेश जोखिम भरा है। जब हम निवेश करते हैं, यानी कि अपने पैसे या अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों को भविष्य में लाभ प्राप्त करने की इच्छा से कहीं और उपयोग करते हैं, तो जितना लाभ मिलने की संभावना होती है, उतने ही जोखिम भी होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पैसे का निवेश हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन सरकारी योजनाओं में इस तरह का जोखिम ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें हमारे पैसों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अच्छा दीदी, तब तो निवेश में रिस्क है ना? लेकिन राजू, फिर भी ये जरूरी है। हाँ, पर याद रखो कि निवेश जुआ नहीं है। पैसों का कहीं उपयोग कर उससे और अधिक पैसा कमाना अच्छी आदत है। अगर तुम लॉटरी का टिकट खरीदते हो, तो उसमें बिना उसके परिणाम को जाने हम पैसा खर्च कर जोखिम उठाते हैं। पर निवेश में ऐसा नहीं है। निवेश करने से पहले हमें पता होता है कि हमें क्या और कितना मिलेगा। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि निवेश का फल पाने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा दीदी, निवेश में लॉक इन पीरियड क्या होता है? लॉक इन अवधि के दौरान निवेश करने वाला अपनी संपत्ति या निवेश को भुना या बेच नहीं सकता है। लॉक इन की लघु अवधि कम से कम 30 से 60 दिन के लिए होती है और 3 से 6 सालों के दीर्घ अवधि के लिए भी होती है। दीर्घ लॉक इन अवधि के अंतर्गत बच्चों के भविष्य के लिए प्लान और अपने रिटायरमेंट के प्लान के लिए निवेश किया जा सकता है। दीदी, आपने तो बड़ी अच्छी जानकारी दी है निवेश के बारे में। देखो, निवेश में हमारा मेहनत का पैसा लगता है, इसीलिए निवेश हमेशा उचित दस्तावेज के साथ ही किया जाना चाहिए। और पैसों का निवेश बैंक, डाकघर या सरकार द्वारा बताए गए संस्थानों में ही निवेश किया जाना चाहिए। और हमेशा याद रखो कि ज्यादा फायदे के चक्कर में बिना सोचे समझे कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश के नियम। अपने धन को बढ़ाने के लिए निवेश के 3 नियम हमेशा याद रखो। 1, जितनी जल्दी हम निवेश करेंगे हमारा पैसा उतना ही बढ़ेगा। 2, पैसे को बढ़ाने के लिए हमें नियमित निवेश करना चाहिए। 3, जितना ज्यादा हम बचत और निवेश करेंगे हमारा पैसा उतना ही बढ़ेगा। निवेश से हमारी क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ती है और इसके आधार पर बैंक से कर्ज भी हमें आसानी से मिल जाता है। हमेशा याद रखो, बचत और निवेश के लिए कभी देरी नहीं होती और ये जितनी जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा। हाँ दीदी, सही कहा आपने, मैं तो चला निवेश करने।